माई डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोगों का स्वागत है आई एम गिरीश सिंह आज हम लोग लेसन टू यूपी बोर्ड ट्वेल्थ के जो भी स्टूडेंट्स हैं लेसन टू के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे राजीव बुक से और इनमें से कौन से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके लिए मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो देखें क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम सोलह फरवरी से सोलह फरवरी से स्टार्ट हो रहा है तो आप पूरा वीडियो देखें चलिए शुरू करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम द लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं फर्स्ट लेसन फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट और सेकंड लेसन मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसनस हैं ये दोनों इन लेसन्स में से आपको एग्ज़ाम में हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन मिलेंगे देख लेना ठीक है तो इससे इससे पहले वाला वीडियो यदि आपने मेरा नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको भी वॉच कर लें क्योंकि उस लेसन में मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं मैंने आपको उस वीडियो में बताए हैं तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया वाई डिड एनी जंग आस्क साहेब अबाउट द स्कूल एनी जंग ने साहब से स्कूल के बारे में क्या पूछा था क्या कहा था व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट उसका क्या असर हुआ था साहेब पर तो क्या स्कूल के बारे में क्या कहा था देखिए सॉरी क्यों कहा था स्कूल के बारे में क्यों पूछा था कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो तो देखिए लिखा एनी जंग आज साहेब एनी जंग ने साहेब से कहा अबाउट द स्कूल स्कूल के बारे में बिकॉज क्योंकि सी वांटेड टू नो क्योंकि वह जानना चाहती थी हिज इंटेंशन उसका इरादा अबाउट द स्टडी स्टडी के बारे में ठीक है ये हो गया वाई का आंसर बिकॉज से जोड़ दिया सी वांटेड टू नो हिज इंटेंशन अबाउट द स्टडी ओके अब असर क्या हुआ उसका इट्स इम्पैक्ट ऑन साहेब इसका असर ऑन साहेब पर हुआ था बाज दैट माने की क्या हुआ था ही वॉज रेडी टू गो टू स्कूल वह स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया था ही वॉज रेडी टू गो टू स्कूल इमीजिएटली ठीक है वो तुरंत स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया था इस क्वेश्चन को आप पढ़ लें इम्पॉर्टेंट है अब जो दूसरा क्वेश्चन है ये ये आपका है मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेकेंड ओके वाई डिड साहेब एंड अदर रैग पिकर्स नॉट वियर चप्पल साहेब और दूसरे रैग पिकर्स जो थे कूड़ा बीनने वाले वो चप्पल क्यों नहीं पहने थे या फुट वियर क्यों नहीं पहने हुए थे वाट एक्सक्यूज़ डू दे गिव फॉर इट और इसके लिए वो जो चप्पल नहीं पहनते हैं इसके लिए वो क्या एक्सक्यूज़ देते हैं क्या बहाना बनाते हैं वो आपको बताना है अकॉर्डिंग टू य तो आंसर इज हियर साहेब एंड अदर रैग पिकर्स डिड नॉट वियर चप्पल्स सब्जेक्ट उठाया साहेब एंड अदर रैग पिकर्स डिड नॉट वियर चप्पल वैसे ही लिख दिया कि साहेब और अदर रैग पिकर्स चप्पल नहीं पहने थे बिकॉज मैंने क्योंकि बस अब यहाँ से आपको ध्यान ध्यान देना है इट वॉज़ देयर ट्रेडिशन ये उनका ट्रेडिशन था ये उनकी परम्परा थी टू स्टे बेयर फुट नंगे पर रहने की उनकी एक परम्परा थी उनके घर पर चप्पल होती थी तो भी नहीं पहनते थे तो इट वॉज़ देयर ट्रेडिशन ये परंपरा थी देयर माने उनकी टू स्टे बेयर फुट नंगे पैर रहने की बेयर फुट मैंने नंगे पैर स्टे मने रहना ठीक है तो बस यहाँ से आपको इतना ही सिर्फ आपको ध्यान रखना है फिर उन्होंने उन्होंने एक्सक्यूज़ किया दिया था जब एनीजंग ने पूछा था तो दे देव द एक्सक्यूज उन्होंने एक्सक्यूज़ दिया था दैट की देयर मदर जो उनकी माँ हैं डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन वो डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन देम माने उन चप्पलों को और ब्रिंग डाउन माने नीचे उतारना वो नीचे नहीं उतारती हैं फ्रॉम द सेल्फ सेल्फ़ माने अलमारी अलमारी से टाँड से अटारी से वो उनको नीचे नहीं उतारती हैं चप्पलों को इसलिए वो नहीं पहनते हैं ठीक है तो दे गेव द एक्सक्यूज़ दैट देयर मदर डिड दे नॉट ब्रिंग देम डाउन वो डाउन नहीं करती है। नीचे नहीं उतारती हैं चप्पल्स को वियर फुटवियर को फ्रॉम द सेल्फ़ अटारी से ओके मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप इस क्वेश्चन को रट ही लें ठीक है बहुत अच्छे से उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ मैनी रैग पिकर्स यूज़ टू लिव इन सीमापुरी डेली दिल्ली के पास जो सीमापुरी जगह है वहाँ पर कितने रैग पिकर्स यूज़ टू लिव रहते थे हाउ डिड दे सेटल देर वो वहाँ कैसे रुक गए थे इम्पोर्टेंट है ये ओके okay? तो देखिए देर आर टेन थाउजेंड दस हज़ार संख्या याद रखिए देर आर टेन थाउजेंड रिक्स तो बस आपको देर आर फिर टेन थाउजेंड फिर राइपकरस फिर ये डेली वैसे ही सब उतार देना है ओके हाउ मैनी छोड़ के ठीक है देर आर टेन थाउजेंड फिर उसके आगे यहाँ से यहाँ तक लिख देना है लिख दिया फिर उसके बाद में वो वहाँ आकर रुके कैसे वो देख लो दोज हुयर इन स्क्वाइटर्स जो वहाँ रहते थे वो स्क्वाटर्स थे स्क्वाइटर्स मैंने कहीं से आकर बसे थे दोज हु लिव देयर आर स्क्वाटर्स वो स्क्वाटर्स थे मतलब तो आकर बसे थे वहाँ हु केम फ्रॉम बांग्लादेश जो बांग्लादेश से आए थे बैक मैंने वापस 1971 में एंड सेटल देयर और वहाँ रुक गए थे बांग्लादेश से यहाँ आए थे 1971 में और सेटल्ड देयर और सेटल्ड देयर मैंने वहां रुक गए थे ठीक है ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है उसके बाद में व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन व्हाट डिड दे फाइंड इन इट ठीक है इस क्वेश्चन को भी आप रट लें मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितनी बार आप लिख सकते हैं मोस्ट मोस्ट उतनी बार लिखें ओके okay? क्वेश्चन क्या कह रहा है व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन चिल्ड्रन के लिए गार्बेज गार्बेज मैंने कूड़ा करकट का क्या मतलब हुआ करता था व्हाट डिड दे फाइंड इन इट उन्हें उसमें क्या मिलता था मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ जब यदि आपको कम याद हो रहा है तो जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जिन पर अधिक प्रेशर दे रहा हूँ उनको तो आप रट ही लें देखिए और कितनी सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया देखिए फॉर चिल्ड्रेन यहीं से लिख देंगे फॉर चिल्ड्रेन ये लिखा फॉर चिल्ड्रेन इट इट से मतलब है गारवेज जो ये गारवेज लिखा है गारवेज इट इज़ रैप्ड इन वंडर बिल्कुल आपकी टेक्स्ट बुक में यही लिखा है सेंटेंस वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है इट इज़ रैप्ड इन वंडर रैप्ड माने होता है ढका होना वंडर माने आश्चर्य बच्चों के लिए क्या था जो गार्वेज था कूड़ा करकट वो एक आश्चर्य की चीज थी तो आश्चर्य की वस्तु थी गार्बेज तो सेंटेंस आपका बनेगा इट इज रैप्ड इन वंडर ठीक है फॉर चिल्ड्रेन इट इज़ रैप्ड इन वंडर ओके बच्चों के लिए कूड़ा करकट आश्चर्य की चीज़ थी क्योंकि उन्हें कभी उसमें एक रुपया मिलता कभी दस रुपया मिलता कभी सिल्वर का सिक्का मिल जाता तो बड़ा आश्चर्य की वस्तु थी उनके लिए तो आप इस सेंटेंस को याद रखिए प्यारे बच्चों कि क्या होगा फिर से मैं बता रहा हूं फॉर चिल्ड्रेन इट ब्रैकेट में गार्बेज लिख दिया इज इज इन वंडर ओके ये द मीनिंग ऑफ गार्बेज ये हो गया बस इतना ही है इसका आंसर ओके अब वाट डिड दे फाइंड उसमें मिलता क्या था याद रखिए दे समाइम फाउंड फाइंड की सेकेंड फॉर्म फाउंड हो गई कभी कभी उन्हें एक रुपया मिलता और इवन अ टेन रुपये नोट कभी दस रुपए का नोट मिल जाता इन इट मान उसमें बस हो गया तो एक रुपया और दस रुपए याद रखिए क्या दिक्कत है दे समटाइम्स फिर फाइंड की सेकेंड फॉर्म ये फाइंड लिखा था ये देखिए फाइंड उसकी सेकेंड फॉर्म फाउंड हो गई क्या मिलता ए रुपी और इिन एट टेन रुपी नॉट ए न कभी कभी इविन माने भी और कभी कभी उन्हें समटाइम्स मैंने था कभी, कभी 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 उन्हें एक दस रुपया भी मिल जाते थे हो गया अब यही क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है दो तरह से पूछा जा सकता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं फिर आपसे बता रहा हूँ व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन चिल्ड्रन के लिए गार्वेज का क्या मतलब था एंड फॉर द एल्डर्स और बच्चों के लिए भी क्या पूछा जा सकता है बच्चों के लिए गार्बेज का क्या मतलब था ठीक है वाट डिड द चिल्ड्रन फाइन इन इट बच्चे उनमें क्या पाते थे या ऐसे भी पूछा जा सकता ये क्वेश्चन हाउ द मीनिंग ऑफ गारवेज इज़ डिफरेंट फॉर चिल्ड्रेन एंड फॉर द एल्डर्स ऐसे भी पूछा जा सकता था पूछा जा सकता एग्ज़ाम में कि बच्चों के लिए और बड़ों के लिए गारवेज की मीनिंग डिफरेंट कैसे है ठीक है तो आप घबराइए नहीं आंसर आपका यही आएगा आंसर देखिए क्या आएगा सिर्फ बच्चों के लिए जो मीनिंग है वो एक सेंटेंस बढ़ जाएगा छोटा सा फॉर चिल्ड्रेन वही सेंटेंस इट मने गारव्वेज इज रेब इन वंडर वही बात लिखी है एंड फॉर द एल्डर्स अब बच्चों के लिए इसका क्या मतलब है गारवेज का बस ये आपको और याद कर लेना है एंड फॉर द एल्डर्स इट मीन्स सर्वाइवल और एल्डर्स के लिए इसका इट मीन्स इसका अर्थ है सर्वाइवल मने जीवन यापन करने की वस्तु ठीक है जो कूड़ा करकट उनके बच्चे बीनते हैं तो जो उनके घर वाले हैं उनके माता पिता उनके लिए तो वो सर्वाइवल की चीज़ है उसी से तो उनका जीवन यापन चल रहा है तो

ठीक है नोट डाउन मेरी ये आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है आप इसको नोट जरूर करें कॉपी कौ, में ताकि आप जो है एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन करके पहुंच पाएँ क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम वीडियो आपका देख पाना बहुत ही मुश्किल होगा तो वाई डिड साहिब जॉइन द जॉब एट द मिल्क बूथ साहिब ने मिल्क बुथ पर नौकरी क्यों ज्वाइन की थी वाट वाज ही पैड फॉर हिज सर्विस और उसे अपनी सर्विस के लिए कितना रुपया मिलता था साहिब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ सुाहिब साहिब सब्जेक्ट उठाया सेकेंड फॉर्म लिख दी आगे का सब ऐसी लिख दिया बिकॉज से जुड़ा ऑफ हिज पॉवर्टी बिकॉज ऑफ़ हिज पॉवर्टी अपनी गरीबी के कारण उसने मिल्क बूथ पर जॉब में जॉब ज्वाइन की थी ओके बिकॉज ऑफ हिज़ पॉवर्टी इतना याद रखिए ठीक है थीके? और ही वाज पैड ही वाज पैड एट हंड्रेड रुपीज़ फॉर हि सर्विस और उसे अपनी सर्विस के लिए कितने रुपए मिलते थे एट हंड्रेड याद रखिए ओके उसके बाद में क्वेश्चन सिक्स देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है क्वेश्चन सिक्स कह रहा है एक मिनट ये लिखा क्वेश्चन नंबर सिक्स ओके हुकेश मुकेश कौन था वेयर डिड ही बिलोंग वह कहाँ से बिलोंग करता था एंड वाट वाज हिज एम्बिशन मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट जितनी बार आप लिख पाए मैंने आपसे कहा फर्स्ट लेशन और सेकेंड लेशन से क्वेश्चन आए बगैर रह ही नहीं सकता तो आंसर देखिए मुकेश कौन था कहाँ से बिलोंग करता था और उसका एम्बिशन क्या था तो मुकेश सन ऑफ पुअर बेंगल मेकर ऑफ़ फ़िरोजाबाद जो फ़िरोजाबाद के जो पुअर गरीब बेंगल मेकर थे उनका वो सन था उनका लड़का था मुकेश सन ऑफ पुअर बेंगल मेकर ऑफ़ फ़िरोजाबाद फ़िरोज़ाबाद के जो गरीब न, बनाने वाले क्या नाम चूड़ी बनाने वाले थे उनका वो सन था तो कहाँ से बिलोंग करता था फिरोजाबाद से बिलोंग करता था इसी में इसका आंसर आ गया ठीक कौन था इसका भी आंसर इसी में आ गया छोटा सा एक ही सेंटेंस में दोनों क्वेश्चन के एक ये क्वेश्चन है दो क्वेश्चन के आंसर आ गए तीसरा क्वेश्चन रह गया व्हाट वाज हिज एम्बिशन उसका एम्बिशन क्या था तो हिज एम्बिशन बाज ये हिज हिज एम्बिशन ये बाज लिख दिया उसके बाद टू बिकम ए मोटर मैकेनिक मोटर मैकेनिक बनने का उसका एम्बिशन था तो टू बिकम से आप याद कर लीजिए हिज एम्बिशन बाज़ टू बिकम ए मोटर मैकेनिक मकैनिक की स्पेलिंग पर भी ध्यान देना एग्जाम में गलत ना होने पाए ठीक है तो मुकेश मोटर मकैनिक बनना चाहता था माँ से मुकेश माँ से मोटर मकैनिक बनना चाहता है था वो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छे से आप नोट कर लें क्वेश्चन नंबर एट इस लेसन में कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस क्वेश्चन को भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखिए क्या पूछा गया इट इज़ इट इज हिज कर्म यह उसका कर्म है हिज डिस्टनी उसका भाग्य है हुड दिस किसने कहा और क्यों कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है आंसर है इट इज हिज करम हिज डिस्टनी है उसका कर्म है उसका भाग्य है इट इज सेड बाई मुकेश मुकेश ग्रांड मदर यह मुकेश की ग्रांड मदर के द्वारा कहा गया बिकॉज क्योंकि सी हैज वाज हर ओन हस्बैंड क्योंकि उसने अपने खुद के हस्बैंड को देखा था गो ब्लाइंड अंधे होते हुए विद द डस्ट धूल से फ्रॉम पॉलिसिंग जो पॉलिस करते हुए जो धूल उड़ती है डस्ट उससे द ग्लास ऑफ बेंगल्स जो बेंगल्स पर पॉलिस करी जाती है बेंगल्स के ग्लास पर बेंगल्स के ऊपर जो ग्लास होता है उसके ऊपर जो पॉलिश करी जाती है साइनिंग के लिए उसकी पॉलिसिंग से जो डस्ट होती है उससे उसने अपने हस्बैंड को गो ब्लैंड अंधे होते हुए देखा था ठीक है इसलिए उसने ऐसा कहा था कि यह कर्म है यह उसका भाग्य है तो फिर से देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंट मानिए आप इसको इट इज़ हिज कर्म इज़ डिस्टिनी ये वैसी लाइन लिख देंगे इट इज़ सैड बाय मुकेश ग्रांड मदर मुकेश की ग्रांड मदर के द्वारा कहा गया था बिकॉज क्योंकि सी हैज वॉज हर ओन हस्बैंड क्योंकि अपने उसने अपने खुद के हस्बैंड को देखा था गो ब्लाइंड मैंने अंधे होते हुए विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स बेंगल्स में जो पॉलिशिंग की जाती है उसकी डस्ट से उसने अपने हस्बैंड को अंधे होते हुए देखा था ठीक है इसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन इज़ आल्सो मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाट डू द बेंगल्स सेम्बोलाइज बेंगल्स मैंने चूड़ियाँ किसका प्रतीक हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ बेंगल मेकर फ़ फ़िरोजाबाद फ़िरोजाबाद के जो बेंगल मेकर है, उनका क्या रोल है मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितनी बार लिख सकें द बेंगल्स सेम्बोलाइज जो चूड़ियाँ हैं सिंबलाइज प्रतीक हैं कहेगा एन इंडियन वुमेन्स सुहाग भारतीय औरतों के सुहाग का एन इंडियन वुमेंस सुहाग बिल्कुल सेम इसी तरीके से मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट फिर आगे लिखा है कोमल आकर लिख देंगे ऑस्पसनेस इन मैरिज ऑस्पसनेस कॉमल आकर ये इतना लिखेंगे ऑस्पसनेस स इन मैरिज मैरिज में शुभ होती हैं शादी में ये शुभ होती हैं इसका मतलब है शुभ शादी में ये शुभ मानी जाती हैं ओके फिर आगे फिरोजाबाद में बेंगल मेकर्स का रोल क्या है वो भी देख लो बेंगल मेकर्स और फिरोजाबाद प्रोड्यूस फिर फिरोजाबाद के जो बेंगल मेकर्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं उत्पन्न करते हैं बेंगल्स मैंने चूड़ियाँ फॉर द वमेन औरतों के लिए ऑल ऑफ़ ऑल ओवर द वर्ल्ड संसार की सारी औरतों के लिए फ़िरोज़ाबाद के जो बेंगल मेकर्स होते हैं वो चुड़ियाँ बनाते हैं ये इनका रोल है ठीक है ये भी था आपका मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट तो मेरे प्यारे बच्चों जो मैंने इसमें मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताए हैं इन क्वेश्चंस को आप हंड्रेड परसेंट तैयार कर लें अपनी कॉपी में नोट कर लें और इन दो लेसनस में से जो भी मैंने बताए हैं कौन कौन से फर्स्ट लेसन है जिसका नाम है द लास्ट लेसन एंड द सेकेंड लेसन जिसका नाम है लॉस स्प्रिंग इन दोनों में से क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्ज़ाम में मिलेंगे ओके okay? तो अच्छे से यदि आप इन जो मैंने अभी दो वीडियो बना दिए एक ये वाला एक पहले वाला इन दो वीडियोस के ही क्वेश्चंस को देख ले देख लिया तो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आगे कहीं से भी आए तुम्हें इन दो में से एक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा तो इसलिए अपने आपने, आपने ज़्यादा अब तक नहीं पढ़ाया तो इन दो वीडियोज़ के क्वेश्चन को ही आप